और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सरजीत सिंह डंग हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। जगदीश सिंह यादव हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रंजीत कुमार जी हमारे साथ हैं, ग्रुप एडिटर नेशनल वॉइस। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं जगदेव सिंह यादव जी आपका रुख करना चाहूँगी। जो हलफनामा दायर किया गया है उसका सबको इंतज़ार था, हालांकि जिस तरह से बयान आ रहे थे केंद्रीय मंत्रियों के और सरकार के नुमाइंदों के, उससे ये बात तो साफ हो गई थी करीब करीब कि क्या कुछ रहने वाला है हलफनामे में। हलफनामे में कहा जा रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं वो देश के लिए खतरा हैं। अगर रोहिंग्या शरणार्थी बिना वैध दस्तावेज के सीमा पार करके आए हैं तो जो कुछ कहा है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा के सवाल पर से समझौता नहीं किया सकता। दूसरा सवाल मानवता का है, तो मानवता के सवाल पे हमारे कुछ देश के लोग, कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि उनको रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के सवाल पर जो बीजेपी ने किया है, तो हम उस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह के तमाम मामले सामने आए हैं, हिंदुओं के वो मिले हुए हैं और बिना वैध डॉक्यूमेंट के आ रहे हैं, तो उसकी जांच पड़ताल करके सही कोई रास्ता निकालना चाहिए। इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुला करके एक सही निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय लेना चाहिए कि इस मसले पर क्या किया जाए। एक सारी सरकार अपनी बात कर रही है, लेकिन और लोगों के, और हमारे जो दल हैं उनके लोगों की भी राय ले लेनी चाहिए और कोई सर्वमान्य हल निकाल के इस सूप को निपटारा करना चाहिए। और देश की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, उस पर समझौता के लिए कोई पार्टी कह ही नहीं सकती कि देश की सुरक्षा पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। नहीं, आप कह रहे हैं कि सर्वमान्य हल निकालना चाहिए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है केंद्र सरकार का, उसमें कहीं आपत्ति है आपको? नहीं, उसको विश्वास नहीं, विरोधी पार्टियों को भी, विरोधी पार्टी भी लोकतंत्र में एक महत्व रखती है, बिना विरोध के लोकतंत्र नहीं चलता है। विरोधी पार्टियों की भी एक बैठक बुला के उनकी राय लेनी चाहिए और सर्वसम्मत से जो निर्णय हो उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि कुछ पार्टियां कह रही हैं, ममता जी का कुछ बयान है और इधर उनकी पार्टी के अंदर वरुण गांधी का बयान आ मिलेगा, उनके अंदर भी, उनकी पार्टी के अंदर विरोधाभास है। ऐसे इशू पर जहाँ देखिए राष्ट्रीय इशू अगर होते हैं, हमारे नेशनल इशूज होते हैं, उन पर तो सर्वदलीय बैठक बुला करके जनमत तैयार कर लेना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, बात करना चाहिए। बुलाने में क्या दिक्कत है? सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्षी पार्टी बुला करके एक आम राय जो बने उस पे अमल करें। ठीक है, इससे पहले कि और भी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इसमें जाने और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं ये हम समझें। डिफेंस एक्सपर्ट राज कायदान हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हम उनका रुख कर लेते हैं। राज कायदान जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। जो कुछ भी आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर। देखिए, म्यांमार एक बुद्धिस्ट देश है और उसके जो रखाइन स्टेट में है वो रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं, उनके आपस के झगड़े हैं, रोहिंग्या इंडिपेंडेंस चाहते हैं और सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही है। रोहिंग्या प्रोसिक्यूट होके देश के बाहर आते हैं, 40,000 तो भारत में आए हुए हैं और करीब 3.5 से 4 लाख तक बांग्लादेश में आए हुए। भारत का मानवाधिकारों में जो रिकॉर्ड है दुनिया में मशहूर है, हम हमेशा मानवाधिकारों की इज्जत करते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है तो हर चीज पीछे हट जाती है। सत्तारूढ़ सरकार की जिम्मेवारी है कि देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उन्हें करना पड़े वो करें। और रोहिंग्या में कुछ लोगों का मिलाप पाकिस्तान की ISI से है, तो ये डर है कि अगर रोहिंग्या भारत में रहे या और आ गए तो ये आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि ISI तो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो भारत की दो समस्याएं हैं, एक तो और रोहिंग्या को आने से रोकना, लंबा बॉर्डर है, 2-3 स्टेट से बर्मा का बॉर्डर मिलता है, वो सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा, जो 40,000 पहले ही आए हुए हैं जिनको रिफ्यूज स्टेटस नहीं है, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस भेजना।
मैं समझता हूँ जब देश की सुरक्षा का सवाल है तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी को इकट्ठा होके जो देश के लिए ठीक है। लेकिन कादियान जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है ये सवाल कि और भी कई तरह के शरणार्थी हैं जिन पर सवाल तमाम खड़े होते हैं और सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं जब भी उनकी बात आती है, जब भी जिक्र होता है, लेकिन खास करके रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के केंद्र सरकार को का जो रवैया है वो कुछ ज़्यादा सख्त है और उसके पीछे की वजह एक ख़ास समुदाय से ताल्लुक़ रखना है। क्या इसके पीछे भी कोई तर्क नज़र आता है, क्या कोई ठोस कारण नज़र आता है क्या? नहीं, पहले तो रोहिंग्या को शरणार्थी का स्टेटस, रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं है। उनको गैर कानूनी माइग्रेंट भारत में जो आए हुए हैं बगैर कानून के, वो माना गया है, तो शरणार्थी नहीं है वो। शरण उन्होंने भारत में उनको कोई शरण नहीं दी है। राज कादियान जी, अगर समझना चाहेंगे कि जो शरणार्थी हैं और ये जो गैर और अवैध रूप से जो भारत में आए हुए लोग हैं, ये इसके जो टेक्निकलिटीज है, इसको जरा क्लियर करने की ज़रूरत है कि कौन से लोग होंगे जो शरणार्थी कहे जाएंगे और कौन से लोग हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसपैठिए कहे जाएंगे। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें, कैसे समझें? राज कादियान जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, नहीं, ये तो सरकार इसके कानून के जो पेश हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात सामने सरकार ने स्पष्ट की है कि रोहिंग्या देश में शरणार्थी के रूप में नहीं है, वो रिफ्यूजी स्टेटस उनको नहीं दिया गया है। यानी कि ये पूरी तरीके से सरकार पर है ना कि वो किसको रिफ्यूजी का दर्जा देती है और किसको नहीं देती है, ये हम माने। अब अगर देश की सुरक्षा का सवाल नहीं होता तो शायद रोहिंग्या को भी शरणार्थी स्टेटस मिल जाता, लेकिन वहाँ सवाल इनका ISI से जो लिंक निकला गया है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके सबूत भी दिए हैं सरकार को, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता और कोई पहलू पर कोई बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की है और उसमें जो इन्होंने तर्क दिया है उसको कितना वैलिड मानते हैं? उनका कहना है कि भाई संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उन्हें राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ है, यानी कि जीने का अधिकार और समानता का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि संविधान उसमें किसी नागरिकता या किसी तरह का कोई विभेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आपको राइट टू लाइफ जो है ना, जीने का अधिकार मिल जाता है और इसके तहत उनको यहाँ शरण दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको वापस भेजा जाएगा तो वहाँ उनकी जान को खतरा है। तो ये कितना वैलिड पॉइंट है आपकी नज़र में? देखिए, तर्क तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, हम तो डेमोक्रेसी में हर बात पर तर्क निकल आता है जी, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि जहाँ तक मानवाधिकारों का सवाल है, हम तो बांग्लादेश को भी मदद दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है कि आपके देश में आए हुए हैं उनको आपने फीड करना है, आपको जरूरत है, वो सहायता दी जा रही है। लेकिन अगर इनके भारत में रहने से देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है तो सारे मानवाधिकार और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ना लीगल एक्सपर्ट हूँ ना कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन सुरक्षा के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि जब देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है तो हर बात पीछे धकेल दी जाती है और वो प्राथमिकता मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज कादियान जी। हम एक बार रुख करेंगे सरजीत जी का। सरजीत जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है, बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, तो इसमें जो खास करके रोहिंग्या से ज़्यादा जो मुसलमान शब्द है इस पर जोर दिया जा रहा है, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि आप इसलिए इस पे इतनी सख्ती दिखा रहे हैं क्योंकि आप इसका फ़ायदा जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं देश के भीतर। देखिए, थोड़ा सा इस सारे प्रश्नों का, आपके भी कई प्रश्न हैं जी, जिसमें आपने अनुच्छेद 14 की चर्चा की जी, संविधान देश के नागरिकों के लिए है। दुर्भाग्य यह है कि रोहिंग्या के इतिहास में जब आप जाएंगे जी, तो ये इस्लाम स्वीकार किए थे, बांग्लादेश के और बर्मा के बॉर्डर पे ये अधिकांश संख्या में थे जी। इनको मुगल बादशाह और अंग्रेज, बर्मा में जब अंग्रेजों का राज्य हुआ और मुगलों का राज्य हुआ तो इनको साथ लेकर के गए सेवा करने के लिए, और धीरे धीरे जाकर के वो वहाँ उनका परिवार बसने लगा। कम संख्या में गए थे, वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो बड़े स्पष्ट हैं।
उनकी संख्या बढ़ती गई तेजी से, और आज वहाँ बौद्ध धर्म का पालन करने वाले 52% हैं, 46% रोहिंग्या हो गए और 2% हिंदू। नहीं आप नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बता रखाइन, आप पूरी बात सुन लेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ रखाइन स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं रखाइन स्टेट की बात कर रहा हूं। पूरे रखाइन का सिर्फ 4% है रोहिंग्या। पहले अराकान कहे, अराकान स्टेट कहे जाए, रखाइन कही जाती है, पहले अराकान ना बोलो। इसलिए मैं इस पर बल देकर के बात कर रहा हूँ जी कि जब इनकी संख्या बढ़ी तो उन्होंने वहां कहा कि हमें अलग स्टेट दी जाए। जब वहां सेना का शासन था तब भी आवाज उठी, दबाई गई, और जब अब वहां लोकतांत्रिक सरकार आ गई वहां पर ये बात इन्होंने शांति से न उठा करके वहां हिंसात्मक घटनाएं करनी शुरू कर दी। पुलिस के चौकियों पर, सेना के कैंपों पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक बात है। दुर्भाग्य यह है कि ये न तो नागरिक बर्मा के हैं, न ये नागरिक बांग्लादेश में है, और भारत के नागरिक तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनको भारत के संविधान से ना उनका किसी संविधान में विश्वास है। स्टेटलेस पीपल है, हाँ, ठीक बात। तो उन पर तरस ये इतना ही खाया जा सकता है कि भाई इनका दुर्भाग्य है और भारत की सरकार इनको भोजन भेज रही है, कपड़े भेज रही है, दवाएं भेज रही है। दुखद बात यह है कि जहां जहां गए इन्होंने जाकर के वहां हिंसा फैलाई और कई आतंकवादी घटनाओं में भी इनका हाथ पाया गया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसके आंकड़े दे दिए। ठीक है, मेरा केवल एक निवेदन है, मुसलमान शब्द को जरा सा एक तरफ रख दीजिए। अगर रोहिंग्या को एक बार हम ये भी कह दें कि एक खास मजहब का वो पालन करते हैं, तो चाइना का बॉर्डर जिसको अराकान या अरखाइन कहते हैं वहां से सटा हुआ है, वो चीन में शरणार्थी बनने क्यों नहीं गए? वो चीन में चले जाते। पूरे विश्व में 3 दर्जन से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं। अगर किसी को बहुत मोह पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या पहले से ही पर्याप्त है, उस पर और बोझ बाहर के लोगों का लादना। और सबसे दुखद और चिंता की बात यह है कि जिस जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के कारण भारत का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भारत का नागरिक कहा जाता है वो वहां नहीं बस सकता, और वहां जाकर के एक बड़ी संख्या में वो जाकर के बस गए। ठीक बात। और वहां भी बॉर्डर पर इनकी गतिविधियां संदिग्ध रह गई हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में इन पर तरस खा करके इनको भोजन, वस्त्र, दवा, इसका प्रबंध करना चाहिए। हम कर रहे हैं, ठीक है सरजीत सिंह, मगर देश की सुरक्षा के साथ ठीक है कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नहीं देना चाहिए इनको, जिनको बाहर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, एक सेकंड, वो अपने देश में बसा ले, ठीक है, बांग्लादेश बसा ले, पाकिस्तान बसा ले, चाइना बसा ले, सऊदी अरेबिया बसा ले, वहां टेंट खाली पड़े हैं, वहां जाके बसा ले। एक सेकंड, उनकी संख्या भी कम है, वो बाहर जनसंख्या का सह भी सकते हैं। ठीक है, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ गए हैं, जमीयत उलेमा के प्रवक्ता हैं। नोमानी साहब, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। हलफनामा जो दिया है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं वो देश के लिए खतरा है। हेलो जी, बताएं। जो कुछ भी दिया है उसका जो कुछ मजबूत आधार जो होना चाहिए, और भारत का इतिहास और परंपरा जो है वो इससे विरुद्ध है, इससे भारत की छवि जो है वो खराब हो रही है। जो लोग जो है वो सताए हुए, उजड़े हुए, मारे पीटे गए लोग आए हैं जो है उनको आप शरण दे रहे हैं, जबकि भारत ऐसा करता रहा है। ये है असल मुद्दा जो है, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। जहाँ की बात जो है, जैसे जम्मू कश्मीर की बात है, ऐसा जो है कोई उसका आधिक रिकॉर्ड वहाँ स्थानों में FIR जो है वो दर्ज नहीं है, इसलिए संदेह के आधार पे जो है वास्तविकता। लेकिन नुमानी साहब, अगर हम हिंदू मुसलमान के मसले को एक तरफ रख भी दें, उसके बाद भी जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है रोहिंग्या शरणार्थियों का, उसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जैसे कि IS, अलकायदा, अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े होना इनका, मानव तस्करी में, हवाला कारोबार में और दूसरे भी देश विरोधी कामों में जुड़े होना। तो क्या नहीं लगता कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके भी हमें तोलना चाहिए उस चीज़ को जो केंद्र सरकार ने कहा है हलफनामे में? नहीं तो अब आप जो है चिन्हित करके जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है?
आप जो है एक दो बंदे के आधार से तमिलों ने जो है वो राजीव गांधी को जो है वो मार दिया, इसका मतलब थोड़ी है तमाम तमिलों को जो है वो भगा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा आतंकवादी है वो। आपके पास जो है हमारे पास जो है प्रशासन है, सरकार है, एजेंसियां है, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकालिए आप उनको। लेकिन नोमानी जी सवाल ये है कि भाई जो बड़ी तादाद में लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, उनका क्या इतिहास है? अपने देश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो तो इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका इतिहास खंगाल के उनके खिलाफ कार्रवाई करना, आखिर भारत को इतना सिक्योरिटी चैलेंज क्यों लेना चाहिए, ये रिस्क क्यों लेना चाहिए? सवाल ये है कि वो आए कैसे? हाँ, आए कैसे जो है? हाँ, यही तो सवाल है ना कि भाई अब ठीक है अगर आ गए तो उनको क्या रखना मजबूरी है भारत की? रिफ्यूजियों का कानून है तो उस आधार पे आप वहां नहीं भेज सकते उसको जहां उसके जानो माल को जो खतरा हो, यह है ना मुद्दा। लेकिन अगर हमारी जान माल पर खतरा है तो भी हम रख लेना चाहिए हमको? नहीं, तो आपको ये जो है संदेह के आधार पे या कुछ लोगों के प्रोपेगेंडे से प्रभावित होकर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ये जो है वो मानवीय जो है वो संवेदना के विरुद्ध बात होगी। भाई मानवीय संवेदना तो ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि लेकिन सुरक्षा तो सर्वोपरि है ना नोमानी जी। भाई हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन क्या हम अपनी सुरक्षा भी उनको दे दें, क्या उनके हवाले कर दें? सुरक्षा हम नहीं देंगे, सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन ये जो संदेह के आधार पे एक वातावरण बना के आप ऐसा नहीं कर सकते। आतंकवादियों के मानवाधिकार है और जनता के मानवाधिकार नहीं है? नहीं, आतंकवादी जो है उसको आप डालिए ना जेल में, फांसी दीजिए आप जो है। तो क्यों हम आपत को अपने देश में बसाएं? क्या हम इस बात का जान करके क्यों बसाएं इनको? क्यों नहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश ले लेता इनको? क्यों नहीं चीन उससे बॉर्डर लगा ले लेता? क्यों नहीं सऊदी अरेबिया में चले जाते? क्यों नहीं सीरिया में चले जाते? इराक ईरान में क्यों नहीं जाते? बांग्लादेश में तो बांग्लादेश ने तो ले रखा है। कहाँ ले रखा है? नहीं, मेरा कहना यह है बड़े हैं बॉर्डर पे सड़ रहे हैं, वहाँ तो 3.5-4 लाख है। हाँ ठीक है, बांग्लादेश में। नोमानी जी, क्या आपको मालूम है, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि रोहिंग्या के आजादी या जो उसको आजादी की लड़ाई वो कहते हैं उसका जो संगठन है अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी जिसको ARSA बोलते हैं, उसका मुखिया अताउल्ला पाकिस्तानी मूल का आदमी है और सऊदी अरब में रहता है। भाई अगर इस तरह के अगर पाकिस्तानी मूल का आदमी जिस संगठन का मुखिया हो और उससे जुड़े हुए लोग अगर हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, तो क्या आप इसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? देखिए, आपको मालूम है कि 1937 तक जो है ये एरिया जो है वो भारत का हिस्सा था और अखंड भारत की जो लोग बात है तो उसको मिला के आप क्यों नहीं रखते, अपने में क्यों नहीं लेते? तो पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था, नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तर्क है और अरकान सबको मिला के आप बोलिए जो है, सबको मिला के बोलिए, तब तो देश का बंटवारा करा दिया। हाँ उसके कुछ इलाके से वहाँ अराकान में कुछ लोग गए थे, मुस्लिम आबादी वहाँ शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब आज जो हालात है, आज जो देश काल और परिस्थितियां हैं उसके आधार पे आप फैसले करेंगे या इतिहास के आधार पे फैसले करेंगे, संवेदना के आधार पे सिर्फ फैसला करेंगे? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। वो तो 1948 के बाद स्थिति खराब हुई, इसकी नागरिकता को 1982 में जो वो खत्म किया गया, ये तो एक सियासी खेल था बर्मा हुकूमत का, अराकीन का एरिया तो जो है वो आजाद था वो। भाई मेरा कहना यह है कि तो ये तो उनके उनका उनका इंटरनल इशू है ना नोमानी जी, भाई उनका उनके उनका आंतरिक मामला है उनके देश का, और जो एक डिप्लोमेसी के स्तर पर जो भारत कर सकता है उसको करना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर उनके उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो भारत को जो करना चाहिए वो डिप्लोमेसी के स्तर पर वो करेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी सुरक्षा को ताक पर रख के उनको लाखों की तादाद में अपने यहाँ बुला लें। सुरक्षा को जो है ताक पे नहीं रखते हैं आप, जो सुरक्षा के नाम पे जो है एक माहौल जो बना रहे हैं वो असल जो है मुद्दा है। आप जो लोग इसमें संलिप्त तो पाए जाते हैं उसको चिन्हित करके अलग करके जो है कार्रवाई कीजिए ना। नोमानी साहब, आपको कार्रवाई करने से। नोमानी साहब बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर, वापस लौटेंगे हम आपके पास। और भी मेहमान हैं इस पूरी बहस में जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अंशु अवस्थी जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि
राष्ट्र की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जो भी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं कम से कम उनके बारे में सही जानकारी जुटाई जाए, और वाकई में अगर आतंकवादी घटनाओं में या अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा सवाल है, हमारे बीजेपी के मित्र प्रवक्ता बड़े गौर से कह रहे थे कि चीन के बॉर्डर पे वो चीन नहीं गए, भारत में आ गए, तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो भारत में आए कैसे? आखिर ये गौरवान्वित हो रहे हैं कि वो चीन नहीं गए, भारत ही क्यों आए? तो ये भारत आए ये विषय भी तो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरजी साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए थोड़ा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ महबूबा मुफ्ती की सरकार है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे यहाँ 5700 रोहिंग्या मुसलमान हैं और कोई भी इनमें से आतंकवादी नहीं है। अब तय ये हो जाए कि महबूबा मुफ्ती सही है कि आईबी सही है, तो निश्चित तौर से इसमें रंजीत जी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है, अगर वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। आखिर हर घटना में बयान बहादुरों की तरह इसमें भी बयानबाजी सिर्फ क्यों चल रही, कयासबाजी क्यों चल रही, कोई एक्शन क्यों नहीं है? विपक्ष पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है। जगदेव जी की बात से मैं सहमत हूं कि आपको एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन आप इसको हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे बीजेपी, सबसे बड़ा असल मकसद यही है। ठीक है सरजीत सिंह जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। जो कौन रोक रहा है, देखिए रिपोर्ट करने से कौन रोक रहा है? अभी तक तो किसी ने नहीं रोका, तो अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट किया आपने, ये भी सवाल है। और आपके भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं, वरुण गांधी जो ने कहा है उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए उन्होंने भी यही कहा है, जो कहा है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, इस अवसर पर इस प्रकार की बात कहना संदेह उत्पन्न करता है। मेरा कहना यह है कि शरणार्थी वो हो सकता है जो किसी देश का नागरिक हो, ये किसी देश के नागरिक नहीं, नंबर एक। नंबर दो, बगल में चीन का किसी बात भाई, बार बार आप वही मैं बात कर रहे हैं। आपकी बात का ही उत्तर मेरा दे रहा। सवाल ये है कि आपका उत्तर यही दे रहा, स्पष्ट नीति इस मामले पर क्यों नहीं है? स्पष्ट नीति न, आप जैसे बयान बहादुर आ रहे हैं, आपकी सरकार के बयान बहादुर बयानबाजी कर रहे हैं, नीति क्यों नहीं है? नीति न होती तो हम कोर्ट में स्पष्ट ये क्यों न कहते, या हमने स्पष्ट कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए। अरे भाई तो आप महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा 5700 रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ, कोई भी आतंकवादी नहीं है। ठीक है अंशु जी, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप इसका मतलब आतंकवादियों के साथ सरकार चला रहे करना चाहिए, इसका मतलब आप जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ सरकार चला रहे, आतंकवादी तत्वों को अगर रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी घटनाओं में हमारे यहाँ पहले से काफी महबूबा मुफ्ती उनके पूरा ध्यान नहीं रख आप उनके साथ फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? क्यों जोड़ ले नहीं, क्यों नहीं सऊदी अरेबिया चले जाते जहाँ उनका नेता रह रहा, अपने नेता क्या क्यों नहीं चले जाते? उससे अताउल्लाह मियां क्या क्यों नहीं चले जाते? उससे बड़ा सवाल वहाँ बसे, उससे बड़ा संख्या भी कम है। ठीक बात है आप जो कह रहे हैं, ठीक बात है आप जो कह रहे हैं, ठीक बात है सरजीत जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि तो आपको कौन रोक रहा है, सरकार को कौन रोक रहा है उनको डिपोर्ट करने से? क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं आप? सरकार सिर्फ राजनीति करने डिपोर्ट आप इसलिए उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए क्योंकि आप डिपोर्ट तो होंगे ही, क्योंकि आप उसको मुद्दा बनाना है, डिपोर्ट तो होंगे ही। हाँ अब आप सच्चाई जान लीजिए, जब 1971 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बनने के पहले हिंदू और मुसलमान बड़ी संख्या में भारत में आए और कई बांग्लादेशी यहाँ आकर के जो इस प्रकार का अपने यहाँ का वातावरण उस समय था उनका स्वागत किया गया वोट बैंक के रूप में, उनमें से कई ने नागरिकता भी ले ली। मगर सच्चाई ये है कि आज भी बांग्लादेश से आए हुए जिनको विस्थापित कहते हैं वो देश के भीतर आतंकवादी तत्वों के साथ मिलकर हरकतें करते रहते हैं, पकड़े जाते हैं, सबूत आते हैं, फिर भी केवल वोटों की राजनीति करने के कारण हमारे विपक्ष के कुछ दल ये शोर मचाते हैं कि साहब उनके पर अत्याचार हो रहा। देश की सुरक्षा के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, हम किसी भी सिद्धांत मत के आखिर देश की सेवा करने की आए हैं राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आखिर महबूबा मुफ्ती पर और मैंने कहा तो आपसे कार्रवाई क्यों नहीं? अगर वो ये कह रहा कौन रहा है? अरे भाई मैं कह तो रहा हूं आपसे, वो तो ये भी कह रही थी कि पत्थरबाज भी इसी देश के बच्चे हैं,
तो क्या उनको छपा कर दिया जाए? अरे भाई आप सरकार चला रहे, वाह हाँ हम सरकार चला रहे, बीजेपी की दोहरी नीति है, हमने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है, हर मामले पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये चर्चाएं हो, रंजीत जी राजनीतिक स्वार्थ के लिए चर्चाएं हो, इस पर निर्णय ना हो, सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। अगर स्पष्ट नीति होती तो महबूबा मुफ्ती पे कार्रवाई जरूर होती, मगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे कार्रवाई जरूर होती। मैं फिर कहता हूँ ये हिम्मत नहीं है सरकार में, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। अगर नीति स्पष्ट होती तो महबूबा मुफ्ती पे कार्रवाई होती। अभी मेरा सवाल यही है, अभी तो लोकतंत्र है ना, ये विपक्ष भी कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आपको रोक कौन रहा है, आपके लोग रोक रहे हैं, फिर क्यों चिल्ला रहे हैं कि शरण रोक रहे हैं लीजिए, और महबूबा मुफ्ती के साथ शरण देने के लिए सरकार चला रहे हैं, क्यों क्यों पक्ष में इसके खड़े हैं? अरे भाई पक्ष में आप मानवाधिकार हत्यारों के लिए, आतंकियों के लिए है, महबूबा मानवाधिकार भारत की जनता के लिए, सैनिकों के लिए, पुलिस के जवानों के लिए नहीं है, जवाब दीजिए, ये कैसा मानवाधिकार है? लेकिन वो मानव नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है सरजीत जी कि भाई आपको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको डिपोर्ट करने से कोई नहीं रोक रहा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा है, आप अगर आपको आपको कार्रवाई करनी थी, अगर आप सिर्फ कार्रवाई कोई घुसपैठियां नहीं बचेगा, बीजेपी सिर्फ मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है और बस, निकाला है निकाल रहे हैं त्रिपुरा से, निकाला है निकाल रहे हैं, अरे भाई कहीं नहीं निकाला, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं निकाला है, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भाई सवाल ये है कि वो आ भी कैसे रहे हैं, ये सारी घटनाएं जो ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं वो 2016 तत्कालीन सरकार उनको वोट बैंक के नाम पर इम्पोर्ट कर रही थी, और आप और आज कलकत्ता में आप देखिए आप वोट बैंक यही नाम पर कोई आतंकवादी नहीं और आप जी के मन में ममता जाग गई है, ये बीजेपी की दोहरी नीति है, केवल केवल वोट के कारण ममता जाग गई ममता जी के मन में, ये तो कहिए वहां के हाईकोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है, आप भी बोल नहीं तो दुर्गा दुर्गा पूजा और महर्रम तो आप दुर्गा पूजा की विसर्जन रोक दिया जाए, अरे भाई आप सही खड़े हैं, सवाल ये की बात कर रहे हैं आप, दुनिया की बातें कर रहे हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार देना चाहते हैं कि जो राष्ट्रभक्त है, अरे भाई राष्ट्रभक्त सब है, आपने राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट रहेगा और राष्ट्र के विरोध में बोल के देशद्रोह करके देश के संविधान में अराजकता करके कोई व्यक्ति नहीं रह पाएगा। आपके हिसाब से वरुण गांधी क्या है? आपके हिसाब से वरुण गांधी और महबूबा मुफ्ती क्या है? सवाल यही है, आपकी है सरकार, आपकी है, वरुण गांधी के साथ करेंगे भाई, आपके आपके गृह राज्य मंत्री वरुण गांधी जी को जवाब मिल गया है, उन्होंने जो संदिग्ध बात कही है बाद में ये भी उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि अगर देश की सुरक्षा पे खतरा नहीं है तो देश की सुरक्षा पे खतरा है भाई, तो बीजेपी तो मान रही है ना भाई, बीजेपी मान रही है कि देश की सुरक्षा पे खतरा है, तो फिर वरुण गांधी मुझे अच्छा लगता है अगर विपक्ष के लोग ये कहते कि बांग्लादेश स्वीकार कर ले, पाकिस्तान स्वीकार कर ले, सऊदी अरबिया स्वीकार कर ले, हमारे देश में उनकी आवश्यकता नहीं है, अपनी बात हमारे देखिए आंतरिक हम आतंकवादी लोगों को यहाँ नहीं स्वीकार कर रहे, ठीक है हो गया, हाँ आंतरिक सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, कांग्रेस का जब इंटेलिजेंस एक मिनट आ जाने आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है आंतरिक सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं, हम सरकार के साथ हैं इस मकसद पर मुद्दे पर, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकारें स्पष्ट बयान दे रही है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, सरकार की स्पष्ट नीति इस पर क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात सिर्फ आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं 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 सुनिए सुनिए अंशु जी, आपकी नीति तो बहुत स्पष्ट नहीं रही है, इस मामले में आपकी नीति भी कोई बहुत स्पष्ट नहीं रही है, आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आंतरिक सुरक्षा समझौते की आप बात कर रहे हैं, आप पूरे असम पूरे असम और बांग्लादेश से लगा हुआ जो पूरा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है वहाँ 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 लाखों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और आपकी आपकी सत्ता जम्मू कश्मीर में कभी कुछ नहीं किया, जो बात करती है उस पर बात क्यों कर रही है, जब डिबेट इस विषय पर है, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करती, बीजेपी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती, उनसे वापस तो दिया, उनका समर्थन वापस क्यों नहीं ले रही, नहीं लेकिन इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना अशोक अवस्थी जी कि भाई अगर आप आंतरिक सुरक्षा के मसले पर इतने सजग होते, इतने सतर्क होते, तो आज जो असम में और पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी नहीं होती, ये कांग्रेस के केंद्र में सरकार राशन कार्ड आधार कार्ड बीजेपी सब बन जाए, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी आप लोगों ने वहां,
बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आंतरिक सुरक्षा के मसले पर बहुत सजग हैं और हम बहुत सतर्क हैं। और खुब आने दिया बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों पे भी बीजेपी जवाब दे दे कि आखिर ऐसा क्यों बना रहे थे। आप चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर से वो अंदर क्यों आ रहे हैं? वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप भी करते रहे हैं ना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। आपने असम और पश्चिम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि कोई समझौता नहीं। हाँ, इसीलिए बांग्लादेशियों को प्रवेश करा दिया आपने आसाम में, त्रिपुरा में। अरे ये आप कह रहे हैं ना, घुसने दिया नहीं, और इसीलिए नहीं भाई, ये तो कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, वो यही है, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। आज बहुत बड़ी चुनौती है वहां की सरकारों के लिए, जो अवैध घुसपैठी है आज की लाखों की तादाद में वहां जो आकर जम गए हैं, उनको निकालना, उनको वहां से बाहर करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो कहता हूं कि इस पे केंद्र सरकार की क्या नीति, हम तो कहते हैं कि कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा पे सरकार के साथ है, मगर कांग्रेस सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है, आंतरिक सुरक्षा क्या सरकार चर्चा करना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, कोई सुधार स्वीकार या कोई एक्शन भी होगा या कोई स्पष्ट नीति बनेगी? कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने खिलवाड़ की है। अरे भाई, खिलवाड़ आसाम में, बंगाल के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ घुस करके घुसेड़ा है। ये आदत बन गई भारतीय जनता पार्टी लोगों की, ये सच्चाई है। हर देश की जो अंदर रहने वाले लोग बोल रहे हैं, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिम्मेदारियां, आप सत्ता में है, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं निभा करते? आसाम के जिलों में देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ आप उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का रोजगार छीन लिया, आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी क्यों बन रहे हैं? अरे भाई, रोजगार छीनने वाले आप लोग हैं। आप करिए ना व्यवस्था, घोटाला चला गया, संदेश देना चाहते चाहते हैं। मछली बाजार क्यों बना रहे हैं डिबेट को? मछली बाजार मत बनाइए बीजेपी आरएसएस वालों। दुमानी साहब, अपनी बात रखिए आप। हाँ, आप बताइए, मियां जी को बोलने दीजिए, ये मछली बाजार नहीं बनाएंगे। आप आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं तो आप, तो आप लोगों ने इस देश को, यहाँ के मुसलमानों को गलत रास्ता दिखाया है। इस्लाम का मतलब होता है सलामती फैलाने वाला धर्म, और आपने आज इस्लाम को आतंकवाद का पर्यायवाची बना दिया है। सर जी, आप लोगों ने सही रास्ता, मैंने कुरान की एक एक सूरह एक एक आयत पढ़ी है, और वो सल्लल्लाहु मोहम्मद साहब जिनके ऊपर कूड़ा फेंकने वाली औरत की तीमारदारी करने वो गए, आज आतंकवाद का पर्याय बन गया इस्लाम यूरोप के देशों में, मैं तो उसका अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में। सर जी, जी क्या कर रहे हैं लोग? बात कीजिए सर जी, जी। अरे इस्लाम की हत्या कर रहे हैं, इस्लाम के सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, भारत में नक्सली और नागा है कि नहीं है? जो भारत में ही है ना, वो कहां मुसलमान है? वो इसका मतलब है कि अगर नागा आतंकवादी है तो आप भी आतंकवादी हो जाइए? ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये क्या तर्क है? आप जैसे लोगों ने इस्लाम को मतदान किया है, इस्लाम सलाम की मैं लेना देना नहीं है। अगर 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 ओपन कर दिया मजहब के नाम पर, अगर अगर धर्म से लेना देना नहीं है, आतंकवादी एक मिनट सर जी, सारे एक ही मजहब के क्यों है? सर जी जी, एक मिनट, आप तो हिंदुत्व को भी नहीं जानते सही तरीके से, इस्लाम को क्या जानेंगे आप? सर जी जी, एक मिनट, आपको इस्लाम पढ़ा सकता हूँ मैं, माफ करिएगा, मैंने कुरान की एक एक सूरह की एक एक आयत तर्जुमे सहित पढ़ी है, मैंने हदीस के जितने एडिशन है सब देखे हैं। कभी बैठ के अलग बैठ के बात करिएगा सर जी जी, आप इस्लाम की रूह नहीं जानते हैं। नोमानी जी, इस्लाम की नोमानी जी, अगर 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 आप इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं तो भाई आखिर जमायते उलेमाए हिंद को आप लोगों को इसकी पैरोकारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई एक सरकार है जो अपने तरीके, एक मिनट रुक जाइए मेरी बात पहले, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, आप मेरा सवाल पूरा होने दीजिए पहले, एक मिनट रुकिए कि भाई आपको आपको पैरोकारी की जरूरत, आप क्यों कूद पड़े? भाई एक सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, रोहिंग्या है, ये मामला उनके बीच का है, आप उनको उनको फैसला करने दीजिए। भाई सरकारों को जो फैसला करने का हक है कि नहीं, किस देश की सुरक्षा को लेकर के, तो आप उसकी पैरोकारी के लिए क्यों कूद पड़े? इसलिए क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान है, कौम का गम तो है मगर आराम के साथ। वो जो है उसको जो असहाय मजलूम मान के जमीयत उलमा पैरवी कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा में मैं हूं नहीं, मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा में हूं, मैं उसका नहीं। जम्मू कश्मीर के जब ब्राह्मण वहां से भगाए गए तो आपका मानवाधिकार कहां था? 3 लाख लोग 15 दिन में भगाए गए, उनकी बहन बेटियां रख ली गई, उनकी जायदाद रख ली गई,
और ये कांग्रेस का शासन था। अरे भाई आपने वादा किया था, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं कर पाए। आपकी पार्टी का एजेंडा था, आपने कितने लोगों को फंसाया? ठीक है, वहां को जाने को तैयार नहीं। बहुत बहुत सम्मान दिया अंशु, आपकी पार्टी के पार्टी का एजेंडा था 2014 का, कितने लोगों को आपने पुनर्स्थापित किया? आपने क्या झूठ बोला? बंद करो चेहरा देखिए अंशु अवस्थी, काला चेहरा देखिए अंशु, आपके शासन का बंद करिए अंशु अवस्थी, आपने कितने लोगों को पुनर्स्थापित किया अंशु अवस्थी? सरजीत जी एक मिनट, जनता भवानी साहब एक मिनट, हमारे साथ कितने लोगों को पुनर्स्थापित? अंशु अवस्थी एक मिनट, हमारे साथ वो जाएंगे जम्मू कश्मीर में जाएंगे, बसेंगे, भाजपा सरकार नहीं बसेंगे। आप झूठ बोलने आए हैं, आपके सारे सपने बंद होंगे। अब डबल करिए अंशु अवस्थी एक मिनट, सरजीत जी एक मिनट, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा विशेषज्ञ हैं, ठीक है नुमानी जी एक मिनट आप जरा होल्ड करिए, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आंतरिक सुरक्षा के मामले में विशेषज्ञता है इनकी, हम जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल जी, जो ये रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का स्टैंड है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, ये अभी उन्होंने कहा, आज जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और हम इनको डिपोर्ट करना चाहते हैं और हम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मसले पे कोर्ट दखल ना दे। देखिए, ऐसा है, भारत एक डेमोक्रेसी है जी, और डेमोक्रेसी के तहत और जो रिफ्यूजी लॉ के तहत जिसको भारत मानता है उसके तहत हम किसी भी रिफ्यूजी को अपने कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर चाहे हिंदू मुसलमान बुद्ध सिख ईसाई जो भी हो, पर अगर आपके पास में प्रूफ है कि फलाना फलाना आदमी सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है, तब आप उसको डिपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर आज लगा सकते हैं, उस पर ट्रायल कर सकते हैं। पर एक ब्लैंकेट क्लियरेंस स्टेटमेंट देना का रोहिंग्या मुसलमान सारे हमारे देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है, ये बात गलत होगी और इस बात को मानना बड़ी बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा। इस डेमोक्रेसी में ऐसी चीज नहीं हो सकती। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाए कि इस तबके के इतने कैटेगरी के लोग मुसलमान कैटेगरी के लोग रोहिंग्या में है, रोहिंग्या में हर तरह के लोग हैं, अगर वो देश की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी के लिए खिलाफत कर रहे हैं, तो चाहे 100 हो 200 हो 300 हो 300 हो चाहे 1000 हो, सबको निकाला जाएगा, पर प्रूफ करना पड़ेगा पहले। आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे खराब हैं। अच्छा, लेकिन जो सरकार सरकार करेगी, हम आपसे जरा ये समझना चाहते हैं कि सरकार जो ये कह रही है कि जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, हमने उसको साइन नहीं किया है, हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए हमारा कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, इसमें कितना दम है इस बात में? देखिए, उन्होंने रिफ्यूजी का जो साइन नहीं किया है, भारत ने तो कई जिनेवा कन्वेंशन के कई प्रोटोकॉल साइन नहीं किए हैं, पर उनमें सबने कहा है कि हम इसको स्पिरिट ऑफ वर्ड और वर्ड एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे। हाँ, जहाँ पे हमारे को जो जिस तरीके से कस्टम है, कस्टमरी एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड लॉ है, हम उसके तहत फॉलो करेंगे, पर ये नहीं कभी कहा कि हम हर एक रिफ्यूजी को कंट्री से बाहर निकाल देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा और ना ही किया है हमने। आप देख रहे हैं बांग्लादेश से कितने रिफ्यूजी आए हैं, सब के सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बने चाहे कुछ बने हैं, भारत ऐसा नहीं करेगा और नहीं भारत को करना चाहिए, हमें उनको एडवाइस नहीं देंगे। भले हमारी सुरक्षा इतने मुसलमान, भले हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा रिस्क हो, नहीं करना चाहिए हमें। क्या चीज, क्या बोला? भले हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा रिस्क हो, बड़ा चैलेंज हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई प्रूफ हो जाता है कि कोई हमारी सुरक्षा के लिए रिस्क है, उसको तुरंत निकालिए, उसको अंदर मत आने दीजिए, पर प्रूफ तो पहले करिए। आप ये नहीं कह सकते कि सारे रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षा के लिए महामारी के खिलाफ है, ये बात गलत है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान खराब है और सारे हिंदू खराब है, सारे ईसाई खराब है, पर जो मुसलमान ईसाई और हिंदू और जो भी रोहिंग्या में है, अगर वो खराब है उसको निकालिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इंटेलिजेंस सिक्योरिटी को जोर लगाना पड़ेगा, तब होगा बात। बात ऐसे दे दे राम दिला दे राम से नहीं होगी भाई। लेकिन 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 जो
जो जो सिक्योरिटी थ्रेट का परसेप्शन है, जो लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार कह रही है कि भाई ये इनके संगठनों की का जो संबंध है वो पाकिस्तानी मूल के जो इनके चीफ हैं अताउल्ला, जो एआरएसए के चीफ हैं और सऊदी अरब में रहते हैं, जिनका आईएसआई से संबंध है, वो मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव बहुत ही संवेदनशील राज्य में जाकर बस गए हैं, तो हमारे सिक्योरिटी के लिए कल को एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। भाई सवाल है कि तो हम इतना रिस्क क्यों लें, ये एक सवाल तो आप लोगों के मन में उठ रहा है ना। नहीं, ये बात ये वो कह रहे हैं कि जो जो हैं वो हैं, पर आप ये अगर सरकार ये कह रही है कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान आईएसआईएस के साथ मिले हुए हैं तो सारे रोहिंग्या मुसलमान खराब हैं, ये भारत की नीति गलत होगी, भारत इसको नहीं करेगा, मैं आपको लिख के देता हूं नहीं करेगा। अच्छा, तो ये फिर अगर प्रूफ हो जाएगा कि रोहिंग्या मुसलमान सारे मिले हुए हैं, ओके ठीक है, फिर मैं मान सकता हूं, पर सारे रोहिंग्या मुसलमान खराब नहीं है। एक सवाल हालांकि आप शायद उसका इस सवाल का जवाब शायद आप नहीं देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल मैं रखना चाहता हूं आपके सामने कि अगर ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि भारत सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता रोहिंग्या के मसले पर इतना एग्रेसिव जेस्चर जो शो कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसको क्या पॉलिटिकल उसके तौर पे देखेंगे? देखिए, अगर वो बिना सोचे, देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास किसी के पास नहीं है, पर अगर वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देख के कह रहे हैं कि ये सारे रोहिंग्या मुसलमान मिले हुए हैं, फिर मैं उनकी बात से सहमत होऊंगा, पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनके पास नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हाँ, ज्यादा तबके की वेरी हाई परसेंटेज में खराबी हो सकती है, वो सिक्योरिटी को खतरा हो सकते हैं, आप हाई परसेंटेज निकालिए साहब। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि आप ये फासिस्ट की तरह ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं इशू करेंगे, सारे रोहिंग्या मुसलमान खराब नहीं है, मैं कहता हूं आपको, और जो नहीं खराब है उनको मत निकालिए। प्रफुल्ल जी, हमारे साथ बीजेपी नेता सरजीत जी जुड़े हुए हैं, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी, श्रीमान बख्शी जी को ससम्मान स्मरण कराना चाहता हूं कि जब इनकी संख्या कम रहती है, ये बड़े शांतिप्रिय नागरिक होकर काम करते हैं, भले स्लीपिंग मॉड्यूल के रूप में या इस तरह से आतंकवादियों की मदद करें। जहां इनकी संख्या ज्यादा हुई और कीड़े मकोड़े की तरह ये बड़े होते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, लोकतंत्र का लाभ उठा करके बिना लोकतंत्र में विश्वास रखे, ये तो खिलाफत में विश्वास रखते हैं ना, खलीफा का शासन आईएसआई वाले, जहां इनकी संख्या बढ़ी ये सुरक्षा का प्रश्न वहां स्थानीय लोगों के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए बन जाते हैं। इसका उदाहरण है आज कलकत्ता में जो स्थिति है, आपसे छिपी नहीं है, जो आज बांग्लादेश के आए हुए लोगों के कारण त्रिपुरा आसाम में स्थिति है, आपसे छिपी हुई नहीं। अगर आप इसको तब भी स्वीकार न करें तो मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आप पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रस्त हैं। दूसरी बात, शरणार्थी वो होता है जो किसी देश का नागरिक हो, वो बर्मा में भी घुसपैठिए थे, वो बांग्लादेश में भी घुसपैठिए हैं और वो भारत में भी घुसपैठिए हैं, वो कहीं के नागरिक नहीं है। मैंने प्रारंभ में कहा कि इस नाते मेरे मन में कभी कभी उनके लिए तरस पैदा होता है कि वो कहीं के नागरिक नहीं है। और अगर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान ले ले, बांग्लादेश ले ले, सऊदी अरेबिया ले ले, सीरिया ले ले, जॉर्डन ले ले, इराक ले ले, ईरान ले ले, और मुझे तकलीफ है इस बात की, या तो वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि रोहिंग्या ले ले चाहिए देश में जो उनके मजहब से संबंध रखते हैं, ठीक है, या जिनकी दृष्टि उनके वोटों पर है और उसका लाभ उन्होंने पश्चिम बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में उठाया है। और मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, स्वीकार करिए इसको, ठीक है। प्रफुल्ल जी से पहले जवाब, आपके कारण बांग्लादेशी घुसे, ठीक है, आपके कारण रोहिंग्या आए, आपके शासन सरजीत जी, एक सेकंड, सरजीत जी, जैसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी वो देश की सुरक्षा, सरजीत जी एक सेकंड, बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के। प्रफुल्ल बख्शी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि ये अगर ये कह रहे हैं कि भारत के पास, भारत सरकार की इंटेलिजेंस के पास भी रिपोर्ट्स हैं, अगर रिपोर्ट्स हैं तो उस पर कार्रवाई करिए, उसमें डिबेट की क्या जरूरत है। पर दूसरी बात है, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा भी आदमी जो किसी भी कंट्री का नहीं है, वो कैसे हो सकता है? वो किसी भी, किसी ना किसी कंट्री का जो पैदा हुआ है, यही सच्चाई है, वो ऐसे कहीं लोग हैं, नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास पे किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है और वो बेचारे घूम रहे हैं, तो भारत
तो दरिया दिली दिखानी चाहिए, उनको रखिए, उनको चेक करिए, अगर वो सिक्योरिटी के आपने की है, यहाँ के जनता का कोई मानवाधिकार नहीं है, यहाँ भारत के नागरिकों का कोई मानवाधिकार नहीं है सर जी, जी। ये सारे आतंकवादी पत्थरबाज गोलीबाज बम फोड़ने वाले सार्वजनिक स्थानों पर निर्देशों की हत्या करने वाले केवल मानवाधिकार जी, जी, सर जी जी अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते अगर रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान रख ले या जॉर्डन क्यों नहीं रखते, तो आप क्या मुसलमान होने के नाते निकालना चाहते हैं? ना बिल्कुल नहीं, सही बात यही है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, पे नहीं तो आखिर इस देश में बहुत बड़ी संख्या में अच्छे मुसलमान भी रहते हैं के आधार जो जो इस देश की धरती से प्रेम करते हैं, मगर एक संख्या छोटी सी ऐसी भी है जो रहते भारत में है मगर उनकी कहीं ना कहीं से अपेक्षा पाकिस्तान से है, और खुलेआम नारा लगाते हैं, राजनीति कर रहे हैं, झंडा फहराते हैं, ऐसे लोग देश नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको बुलाने के बाद पाला है वोट के नाम, सारा देश साथ है, सारा विपक्ष साथ है, सुरक्षा के नाम पर बांग्लादेश से आ गए, जो अपना वोट बैंक से लोग आए हुए शरारती है, वो यहाँ हमको व्यवस्था है हमारे यहाँ समाजवादी के एक मंत्री जी ने, मैं विधानसभा में उपस्थित था, उन्होंने भारत माता को डाइन किया, चुनाव पहले बड़े वादे किए थे हटा देंगे, हम नहीं ला देंगे, यहाँ आतंकवादी वोट बैंक की राजनीति की राजनीति करते हैं, जातवाद की राजनीति करते हैं, शादी हो गई बीजेपी, मेरा आपसे सवाल है, दूसरों पे आरोप लगाने के आदि हैं, वो जाने जाते हैं जातिवाद के नाम पर, और जातिवाद के जनक है कांग्रेस, प्रारंभ में ब्राह्मण अनुसूचित जातियों को लेकर के सरकारें बनाती रही और उन्होंने जातिवाद का रास्ता दिखाया अन्य दलों को। सर जी जी एक सेकंड, प्रफुल्ल जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुसलमान होने के नाते तो आप नहीं निकाल सकते, उनको आतंकवादी होने के नाते निकालिए, प्रूव करिए, आतंकवादियां निकाल दीजिए, आतंक निकालते क्यों है आप, उन पर सजा करिए, आतंकवादी का सजा है टेररिस्ट के, उनको ट्रायल करिए, उनको पहले आतंकवाद अगर वो नहीं है आतंकवादी फिर सबूत इकट्ठे करें, किस बात पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका इतिहास पहले से तय है, जिनका मुखिया सऊदी अरेबिया में अताउल्ला मियां रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक है, अरे भाई आप यानी आप कहना चाहते हैं कि आग से हाथ जलेगा मगर हाथ डाल के जल करके तब सीखिए, में बहुत बड़े बयान बहादुर, आपकी सरकार की नीति क्यों स्पष्ट नहीं है, सवाल ये सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है, की नीति स्पष्ट कोर्ट में भी स्पष्ट है, कोर्ट के बाहर भी स्पष्ट है, उनको कहती हम कोई आतंकवादी देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह करने वाले दर्शकों देश में नहीं बसने देंगे, अरे भाई चाहे कितना भी कहते हैं, कितना भी लोग चिल्लाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कितना भी दबाव पड़े, दोहरी नीति क्यों है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे, हमारी स्पष्ट नीति है, नहीं आते आखिर आप आतंकवादियों के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं, साफ बताइए आतंकवादी है ये आप कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा को आप आतंकवादी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अरे भाई आप कह रहे हैं हम आतंकवादी नहीं कह रहे, आप सरकार चला रहे हैं, आतंकवादी नहीं कह रहे, दो दलों में मत विभिन्न हो सकता है, मगर आप आतंकवादी कह रहे हैं, एक सेकंड, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन ये मसला बहुत